नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के साक्षी के रामलीला मैदान में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के लिए बता दूं कि रामलीला मैदान वहां स्थानीय लोगों द्वारा मवेशियों को बांधकर अतिक्रमण किया गया था। भारी संख्या में यहां पर मवेशियों को बांधकर खटाल चलाया जा रहा था, जिसे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया और सभी को हिदायत दी गई थी कि मैदान में अपने मवेशियों को ना बांधे और ना ही उन्हें इधर उधर खुला छोड़े, क्योंकि मवेशी सड़कों पर बैठ जाते हैं और सड़कों पर झुंड बनाकर खड़े रहते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती है। इसी को देखते हुए खटाल मालिकों को एक हिदायत दी गई थी कि मैदान अथवा खुले में अपने मवेशियों को ना छोड़े, जिससे साक्षी बाजार में जाम की स्थिति बन जाती है। आज जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी और वहां के कर्मी रामलीला मैदान पहुंचकर मवेशियों के मालिकों को समझा बुझा कर छोड़ दिया गया। वहीं रामलीला मैदान में लगे अवैध होल्डिंग लगाने वालों पर जुर्माना भी वसूला गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है जेनेसी की ओर से। सबसे पहले ये मुझे संज्ञान में आया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अतिक्रमण किए हुए हैं, यहाँ अवैध खटाल खोले हुए हैं और अवैध खटाल होने के कारण यहाँ काफ़ी बदबू हो रही है और बीमारी फैलने की भी संभावना है। और यहाँ की जो गायें हैं इस खटाल के रोड पर भी आ जा रहे हैं, जिनके कारण आवागमन भी बाधित हो रहा है। तो ये बात संज्ञान में आई थी, इस कारण मैं यहाँ पर आया और दोनों जो खटाल कर्मी हैं, जो खटाल यहाँ पे लगाए हुए, दोनों को निर्देश दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।